हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्टिजन। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ICAR टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में। तो ICAR की तरफ से टेक्नीशियन की वैकेंसी निकाली गई, इसमें आपका टॉपिक वाइज सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न यहाँ पे क्या रखा गया है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सैलरी आपको कितनी मिलेगी इस पोस्ट पे, एज लिमिट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या क्या रखी गई है, कौन कौन से कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल होंगे, तो ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी निकाली गई वो 641 निकाली गई है और इसमें ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग भी चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है वो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से निकाली गई है और इसमें जो पोस्ट नेम आप लोगों को बताया गया है वो टेक्नीशियन की पोस्ट यहाँ पे रहेगी। ये शॉर्ट नोटिस जारी की गई है। इस शॉर्ट नोटिस में आप लोगों को ये बताया गया है कि इसमें जो पोस्ट है वो कितनी है, एज लिमिट क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और सैलरी आपको कितनी मिलेगी। तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे बताई गई है। यहाँ पे अगर बात करें हम लोग नंबर ऑफ वैकेंसीज की, तो आप देख सकते हो टेक्नीशियन T1 की वैकेंसी है, इसमें 641 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई। कैटेगरी इस वैकेंसी की अगर बात करें तो UR में 286 वैकेंसी है, OBC में 133 है, EWS में 61 वैकेंसी है, ST में 93 है, ST में 68 वैकेंसी निकाली गई है। तो ये आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी रहेगी। अगर यहाँ पे एज लिमिट की हम लोग बात करें तो यहाँ पे मिनिमम एज लिमिट 18 साल रखी गई है, मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल रखी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे सिंपली आपको लिखा गया है मैट्रिकुलेशन, आपने 10th किया हुआ है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 10th या फिर इसके इक्विवेलेंट आप लोगों से मांगा गया है। अगर सैलरी की बात करें तो लेवल 3 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी, 21,700 बेसिक आपकी सैलरी रहेगी, प्लस आपको यहाँ पे अलाउंसेंस भी दिए जाएंगे। तो ये आपकी यहाँ पे सैलरी डिटेल रहेगी। अगर इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की हम लोग बात करें तो इसका जो फॉर्म फिलअप है वो 18 दिसंबर 2021 से स्टार्ट हो जाएगा और इसमें अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो 10 जनवरी 2022 रखा गया है। अप्लाई आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके करना है, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोगों को जाके आवेदन करना है। इसकी जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो 18 दिसंबर को आ जाएगी, तो 18 दिसंबर को सारी डिटेल्स मैं आप लोगों को बता दूंगी। लेकिन यहाँ पे जो प्रीवियस में वैकेंसी आई थी उसके अकॉर्डिंग अगर इसकी टॉपिक वाइज सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस की हम लोग बात करें तो इसमें जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया उसमें आपका सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। इसमें जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा उसकी अगर एग्जाम पैटर्न की हम लोग बात करें तो इसमें आपके 4 सब्जेक्ट रहेंगे, जनरल नॉलेज यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा, मैथमेटिक्स रहेगा, साइंस रहेगा और सोशल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर इसकी टॉपिक वाइज सिलेबस की हम लोग बात करें तो जनरल नॉलेज में आप देख सकते हो क्या क्या आपसे पूछे जाएंगे। इसमें करेंट इवेंट आपसे पूछा जाएगा, नॉलेज ऑफ करेंट इवेंट रिलेटिंग टू इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, इससे क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद यहाँ पे हिस्ट्री से क्वेश्चन रहेगा, कल्चर से क्वेश्चन रहेगा, ज्योग्राफी आपसे पूछा जाएगा, इकोनॉमिक रहेगा, साइंस जनरल पॉलिसी से क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद यहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद मैथमेटिक्स की बात करें तो 10th लेवल का यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, नंबर सिस्टम किससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन रहेगा, अल्जेब्रा रहेगा, ज्योमेट्री से क्वेश्चन रहेगा, मेंसुरेशन रहेगा, ट्रिग्नोमेट्री एंड स्टैटिकल चार्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे साइंस की बात करें तो इसमें मैट्रिकुलेशन लेवल का आपका क्वेश्चन रहेगा, फिजिकल एंड केमिकल सब्सटेंस से क्वेश्चन रहेगा, इसमें नेचर एंड बिहेवियर से क्वेश्चन रहेगा, वर्ल्ड ऑफ लिविंग नेचुरल फिनोमेनन से क्वेश्चन रहेगा, इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद सोशल साइंस की बात करें तो इसमें भी 10th लेवल का आपका क्वेश्चन रहेगा, इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड से क्वेश्चन रहेगा, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स से क्वेश्चन रहेगा, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपके टॉपिक वाइज सिलेबस रहेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप इस सिलेबस की PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये है इसके बारे में कंप्लीट जानकारी। जैसे ही इसकी डिटेल नोटिफिकेशन आती है मैं आप लोगों को इसे चैनल पे अपडेट कर दूंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रखिएगा और बेल आइकन कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।